है फिरता
जन्म सफल कर लीजिए, ओ जन्म सफल कर लीजिए, मन कृष्ण नाम हरि, रे मन कृष्ण नाम सर्वेश्वर भगवान। जय जय श्री राधे श्याम। ये जो आप लोगों ने देखा श्री बद्रीनाथ धाम, जो नर नारायण पर्वत है,
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत मुदीरये। जो श्लोक बोला गया है वो श्लोक केवल ये भूप है, वैकुंठ श्री बद्रीनाथ में ही पाया जाता है। नारायण एक तरफ नारायण पर्वत है, एक तरफ नर पर्वत है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं, सरस्वती नदी आगे जो है, जो आप लोगों को इससे पहले आपने देखा होगा माना गाँव वाला, तो वहाँ पर सरस्वती नदी, सरस्वती देवी सरस्वती नदी और सरस्वती का वहाँ नदी, और व्यास व्यास भगवान तो वहाँ बैठे हुए ही हैं, व्यास गुफा है। देवीम सरस्वती व्यासम ततो जयत मुदी रहे, ये जो श्लोक है ये इसी जगह का है। तो आप लोग भी कभी जीवन में अगर समय मिलता है तो इस जगह में जरूर आइएगा, बद्रीनाथ जी का दर्शन कीजिएगा। बहुत ही सुंदर जगह है, 6 महीने खुले रहते हैं बद्रीनाथ के। ये सामने में जो दिख रहा है ये पहाड़ी, इससे ऊपर अगर ये जो सीन दिखा रहा हो, इससे ऊपर अगर आप लोग जाएंगे तो उद्धव जी का चरण पादुका चरण जो है, उद्धव गुफा है, जो भगवान श्री कृष्ण का चरण पादुका उद्धव जी ने अपने सिर में धारण कर करके श्री बद्रीनाथ के धाम में जा करके तपस्या की थी, वो जगह है। और वहाँ पर आज भी 6 महीने जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो माना जाता है कि उद्धव जी महाराज आ करके बद्रीनाथ भगवान का सेवा करते हैं, ऐसी वहाँ की यहाँ की मान्यता है। तो आप लोगों को भी जब भी जीवन में एक बार समय मिले बद्रीनाथ में जरूर आइए। जय बद्री विशाल भगवान की।